ये देखिए सर, ये फ्रीजर का डिपार्टमेंट यहाँ दिख रहा है वाइट वाला, ये वाइट वाला होगी आपका ऊपर वाला ऑप्शन के लिए, ठीक है। और नीचे वाला जो ब्लैंक दिख रहा है वो नीचे वाला टेम्परेचर नहीं है, वो ऊपर वाले का है। तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ, तो ओके मैं फिर से इसको ओके करता हूँ। ये फारेनहाइट दिखा रहा है, तो यहाँ फारेनहाइट को चेंज करना है मुझे, मोर ऑप्शन में गया, इसको कन्फर्म किया, सेंसर्स ला के यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब आ गया यहाँ पर। चलिए ये देखिए ऊपर का मैं फ्रिज का टेम्परेचर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक से लेकर दो तक आएगा आपका, एक से दो जो है आपका गर्मी के लिए, और चार से पाँच जो है आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, छः से सात जो है ये ठंड के मौसम के लिए रहेगा टेम्परेचर। तो ये यहाँ पर मैं कुछ टेम्परेचर को भी सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर दिया, अब आता हूँ फ्रीजर की तरफ में। अब देखिए फ्रीजर आता है, फ्रीजर का ये कोना दिख रहा है आपको, ये कोना यहाँ दो दो दरवाजे हैं, ठीक है, एक कन्वर्टेबल है और दूसरा आपका फ्रीजर है। तो ये फ्रीजर रहेगा आपको कोना का, तो ये देखिए कोना का, ये कोना का जो है लेफ्ट साइड का जो फ्रीजर है इसको सेट करने का टेम्परेचर, तो यहाँ आपका -19 टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर आपका -20 दिखा रहा था, ये -19 टेम्परेचर आपका नॉर्मल है आपका, आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, ये लो टेम्परेचर है आपका -15, ये हाईएस्ट है आपका -23 है, और उससे आगे जाएंगे तो पावर फ्री चला जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा। तो मैं इसको अभी आपको -19 में कंफर्म करता हूँ, ये कंफर्म हो गया। फिर जाता है आपका ये साइड के लिए, अब राइट साइड वाला डोर के लिए आपका कन्वर्टेबल के लिए, देखिए अब यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये फ्रीजर, ये यहाँ से इसको अगर सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो मीट का पोजीशन में आएगा, अगर आप फूड में जाना चाहते हैं, रुकिए सॉरी, हाँ ये सिलेक्ट किए तो ये मीट एंड फिश है, ये आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल है, और ये बेवरेज है। चलिए मैंने इसमें से कुछ एक सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, तो देखिए ये यहाँ पर राइट साइड वाले डोर के लिए ऑप्शन दिखा रहा है ये वाला। अब आगे जाते हैं, तो ये फ्रिज का ऑप्शन है, फ्रिज को यहाँ से आप ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं, तो फ्रिज का यहाँ राइट साइड का दरवाजा का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो है कैसे कौन सा सामान दिख रहा है, देखिए यहाँ पर राइट वाला डोर आपका, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, तो फ्रिज है और मीट एंड फ्रीज है, तो अगर इस बॉक्स में अगर आप मीट आप रखते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, किस पर ग्लास में, सॉरी आ गया, हाँ ये फ्रीज, ये मीट एंड फ्रीज, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। चलिए मैंने इसको फ्रीज को कन्वर्ट ओके किया, तो ये राइट साइड वाला भी मेरा फ्रीज हो गया, अब पूरा फ्रीज करना चाहते हो तो पूरा यहाँ से कर सकते हैं। ये था कुछ ऑप्शनल चीज़, और मोर ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर मोर ऑप्शन में आपको वही टेम्परेचर के बारे में जो बताया आपको, सेकेंड आपका डोल अलार्म है, और ये आपका वाईफाई का है, ये इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये अभी ऑन है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को आगे तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज करता हूँ। ये है सैमसंग का फ्रिज 4 डोर।